गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो और कैसी चल रही पढ़ाई? बच्चों, पिछले लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस किए थे बच्चों, उसका मेन देखना समरी पॉइंट है। ठीक, तो समरी पॉइंट देखो, दो पॉइंट्स में पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे, फिर से उसी को देखो एक बार रिवीजन करते हुए। आज की क्लास में बच्चों हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम करने का मतलब न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ठीक, तो कुछ नहीं, ये देखो बच्चों, हम रिजिड बॉडी कंसीडर किए थे, इस पर दो पॉइंट्स माने थे, वन एंड टू। एक पॉइंट का वेलोसिटी वी वन है, दूसरे पॉइंट का वेलोसिटी वी टू है। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द पॉइंट्स एंगल कितना बना रहा है? वी वन थीटा वन, और ये कितना बना रहा है? थीटा टू। ठीक, अब इसका देखो दो कंपोनेंट लिए थे, एक क्या था अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द पॉइंट्स, और दूसरा बताओ बच्चों क्या था? परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द पॉइंट्स। यहाँ से दो कंडीशन हम लोग को आता था। ठीक, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर, देखो पहला पॉइंट पे क्या है, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द पॉइंट्स गिव्स द कंडीशन फॉर द रिजिड बॉडी। ये तो देखे ही थे, क्यों होता है ये भी हम लोग डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में। ठीक, ये रिजिड बॉडी के लिए कंडीशन है। ठीक, रिजिड बॉडी के लिए। दूसरा पॉइंट बताओ क्या था, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट बच्चों क्या करता था? रोटेशन प्रोवाइड करता था। रोटेशन प्रोवाइड कहने का मतलब कि सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करता था। तो जहाँ पर रोटेशन या सर्कुलर पाथ बनेगा बच्चों, वहाँ पर एंगुलर पैरामीटर होगा। तो उस एंगुलर पैरामीटर में सबसे स्टैंडर्ड जो पैरामीटर था क्या था? एंगुलर स्पीड ओमेगा। ये एंगुलर स्पीड ओमेगा का वैल्यू बताओ बच्चों हम लोग कहाँ से कैलकुलेट करते थे? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द पॉइंट्स, ये किसका वैल्यू देता था बच्चों? ओमेगा का। ठीक, जैसा कि देखो इसको लैंग्वेज के टर्म में हम लिख दिए हैं। ठीक, अब इसका फॉर्मूला भी बच्चों हम आपको डिराइव किए थे। तो ओमेगा बराबर बताओ क्या था बच्चों? वी रिलेटिव परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई में डी। डी बताओ बच्चों क्या था? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। डी बताओ क्या था बच्चों? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये सब बच्चों हम लोग पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे। ठीक, प्रॉब्लम शुरुआत करने से पहले, न्यूमेरिकल शुरुआत करने से पहले हम उस दोनों पॉइंट को एक बार रिविजन कर लिए। अब बच्चों हम लोग इस पर न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। ठीक, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल, मतलब कि आपको पिछला लेक्चर अगर समझ में आ गया होगा तो प्रॉब्लम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बच्चों आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, चलो अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल कंटिन्यू करते हैं। हाँ, देखना बच्चों, पहले क्वेश्चन नंबर वन समझ लो क्या है, कि एक रॉड है। रॉड बताओ बच्चों क्या बोले थे? रिजिड बॉडी होता है। रॉड क्या होता है? रिजिड बॉडी, जिसका लेंथ दे रखा है 1 मीटर। इसके दोनों एंड पॉइंट पर हम वेलोसिटी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी क्वेश्चन में दे रखा है। फर्स्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? मान लो ये V1, मान लो V1 का वैल्यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। कितना एंगल बना रहा है रॉड के साथ? 37 डिग्री। सेकेंड पॉइंट पर वेलोसिटी V2 किधर है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ। ठीक, तो क्वेश्चन में देखो लेंथ ऑफ द रॉड दे रखा है 1 मीटर। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी V2। ठीक, ये क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में फाइंड द वेलोसिटी V2 का वैल्यू निकालना है। सेकेंड पार्ट में क्या, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑफ द रॉड। ठीक, मतलब वी का वैल्यू निकालना है एंड ओमेगा का वैल्यू निकालना है। ठीक, मतलब दोनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे। तो बताओ बच्चों हम क्या बोले थे, कि सबसे पहला काम क्या करोगे कि दोनों पॉइंट को लाइन से मिला दोगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी लाइन से मिलाया हुआ है, क्योंकि वहीं तो क्या बन रहा है बच्चों? लेंथ ऑफ द रॉड बन रहा है। क्या बन रहा है? लेंथ ऑफ द रॉड बन रहा है। ठीक, अब बताओ, उसके बाद बताओ बच्चों क्या बोले थे कि वेलोसिटी, उसमें देखना कि कौन सा वेलोसिटी को कंपोनेंट करने की जरूरत है।
तो यहाँ पर देखो V1 को कंपोनेंट करने की जरूरत है, V2 को कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी किधर लाई कर रहा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द पॉइंट्स। ठीक, तो सबसे पहले इसको कंपोनेंट कर लो। तो देखो करते हैं, तो इधर बताओ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, कंपोनेंट अगर करोगे तो इसका। एक चीज और ध्यान देना बच्चों कि शायद आप ये चीज नहीं पढ़े होंगे, जैसे कि कॉस 0 का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, 45 का, 60 का, 90 का, 120 का, 135 का, 150 का, 180 का। ठीक उसी तरह साइन का भी टर्म आता है, ठीक उसी तरह टेन का भी टर्म आता है। तो ये सब स्टैंडर्ड मतलब क्या वैल्यू होता है टेबल में, ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू जो कि आप क्लास 10 तक पढ़ कर आए हो। उम्मीद करता हूँ ये वैल्यू आपको पता होगा। बट 37 डिग्री, 53 डिग्री, ये सब का वैल्यू आपको शायद, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर नहीं पता होगा तो जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ इससे आप याद रख सकते हो। ठीक, इसमें से केवल एक वैल्यू आपको याद रखना। ठीक, उसके बाद जो भी हम स्टेप्स बताएंगे वो ऐसे समझते जाओगे, फिर वैल्यू आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद वहीं से वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। ठीक, तो बच्चों इसमें ये वैल्यू हम इसलिए बता रहे हैं कि क्योंकि क्लास 11th और 12th का जितना भी फिजिक्स पढ़ोगे मैक्सिमम टाइम्स में ये सब वैल्यू आपको आएगा, 37 डिग्री एंड 53 डिग्री का वैल्यू। तो देखो बच्चों केवल एक वैल्यू आपको याद रखना है, और वो वैल्यू देखो कौन सा है कि साइन 37 डिग्री का वैल्यू बस याद रखना। तो साइन 37 डिग्री का वैल्यू जो होता है, वैल्यू याद रखना 3/5 होता है। ठीक, क्योंकि इतना बराबर हम क्या मान लिए, थीटा मान लिए हैं। ठीक, तो देखो यहीं से बच्चों आप कॉस 37 का भी वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ये तो क्लास मतलब ट्रिगोनोमेट्री का बिल्कुल बेसिक लेक्चर है। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया 90 डिग्री, तो थीटा यहाँ पर अगर ये हो गया तो ये हाइट हो गया, ये क्या हो गया बेस, और ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक, तो साइन थीटा बराबर बताओ क्या होता है, बेस सॉरी हाइट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, अगर मान लो इसमें से दो वैल्यू पता है तो तीसरा वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकाल लेते थे, कैसे, एल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, इसमें से कोई दो वैल्यू अगर पता है तो तीसरा वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। इस रिलेशन में देखो हाइट का वैल्यू पता है और हाइपोटेनस का वैल्यू पता है, तो हाइट का वैल्यू बताओ कितना है बच्चों, 3, और एल का वैल्यू हाइपोटेनस का वैल्यू बताओ कितना है, 5। तो बेस का वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकालोगे तो बताओ वैल्यू कितना होगा, 4। और थीटा बराबर बताओ यहाँ पर कितना है बच्चों, यहाँ पर थीटा बराबर कितना है, 37 डिग्री। तो बताओ साइन थीटा का वैल्यू निकालिए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस का वैल्यू बताओ कितना है, 4 डिवाइडेड बाई में, ये वैल्यू आपको पता था, यहाँ से डायरेक्ट ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिए। ठीक उसी तरह दो वैल्यू और निकालना बच्चों, कौन सा, साइन 53 डिग्री, क्योंकि ये भी आपको हर एक क्वेश्चन में करीब करीब रिपीट होगा। तो देखो साइन 53 का वैल्यू बताओ कैसे लिख सकते हैं हम लोग, कैसे लिख सकते हैं, तो क्या बच्चों इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 37 डिग्री के टर्म में, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 37 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री। अब याद करो बच्चों कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो 90 डिग्री से माइनस होता था, ठीक, तो बताओ उसका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या हो जाता, चेंज हो जाता था। जैसे कि यहाँ पर साइन 90 माइनस इतना बराबर समझने के लिए क्या मान लिया, थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो, कॉस 37 डिग्री, और कॉस 37 का वैल्यू देखो पहले हम लोग निकाल चुके हैं, ये कितना है, 4/5। तो डायरेक्ट आप वैल्यू इसको याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, अगर नहीं याद रख सकते तो समझ के भी याद रखोगे तो और अच्छी बात है। ये कितना हो जाएगा, 4/5। ठीक उसी तरह बताओ क्या होगा, कॉस 53 डिग्री, क्या होगा, कॉस 53 डिग्री। ठीक, इसको देखो कैसे लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस 37 डिग्री, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, साइन 37 डिग्री, और साइन 37 का वैल्यू बताओ बच्चों कितना, 3/5। ठीक ठीक उसी तरह देखो टेन 37 का वैल्यू, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, साइन
37 डिग्री बाई में कॉस 37 डिग्री, तो देखो साइन 37 का वैल्यू निकाल चुके हैं, 3/5 डिवाइडेड बाई में कॉस 37 का वैल्यू बताओ कितना निकालें, 4/5, तो ये बताओ कितना हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, 3/4 हो गया। ठीक उसी तरह बताओ क्या लिख सकते हो, tan 53 डिग्री, और tan 53 की जगह क्या लिख सकते हो, साइन 53 डिवाइडेड बाई में कॉस 53, और ये वैल्यू रखोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, क्या रखोगे बताओ बच्चों, साइन 53 का वैल्यू बताओ क्या है, 4/5 डिवाइडेड बाई में 3/5, ये क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, ये क्या हो जाएगा 4/3, 5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब इसको एक और कर सकते हो क्या, कि साइन 90 माइनस इसको क्या कर सकते हो, 53, तो साइन सॉरी टेन 90 माइनस 53, ठीक, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, तो कहीं से भी वैल्यू निकालोगे तो सेम वही आंसर आएगा। ठीक, यहाँ से ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि हम अब क्लास 11th और 12th के फिजिक्स में हर एक जगह आपको ये रिपीट होगा, तो मैं तो ये बोलूँगा कि कहीं एक टेबल बना के इसको लिख लेना, और एक दो बार याद रखोगे तो फिर अपने आप याद आ जाएगा, समझ के अगर याद रखते हो तो और अच्छी बात है। ठीक, तो चलो अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इसको कंपोनेंट करो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द पॉइंट्स, मतलब अलोंग द रॉड, तो बताओ ये कंपोनेंट करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, V1 cos थीटा, मतलब कि tan cos 37 डिग्री, 10 इंटू कॉस 37 का वैल्यू बताओ कितना है, 4/5, ये 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, और इस पर देखो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो बताओ कितना हो जाएगा, 10 साइन 37 डिग्री, और 10 इंटू साइन 37 का वैल्यू बताओ बच्चों कितना होता है, 3/5, तो ये बताओ कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड, और ये 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, दोनों कंपोनेंट हम लोग ले लिए, ये पैरेलल हो गया और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। पहला कंडीशन फॉर द रिजिड बॉडी, क्या लिखोगे, फॉर रिजिड बॉडी कंडीशन, क्या लिखोगे बताओ, पैरेलल कंपोनेंट वी पैरेलल कंपोनेंट एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू वी पैरेलल कंपोनेंट एट पॉइंट 2, चलो पॉइंट 1 पर पैरेलल कंपोनेंट मतलब अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द पॉइंट्स कितना है, देखो बच्चों भी जस्ट निकाले हैं कितना, 8 इज इक्वल टू डायरेक्ट यहाँ से आंसर आ गया V2 का वैल्यू, तो बताओ डायरेक्ट वैल्यू बताओ कितना होगा, V2 बराबर 8 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट पार्ट का देखो मेरा आंसर आ गया, सेकेंड पार्ट में देखना बच्चों, सेकेंड पार्ट के लिए बताओ हम जो आपको एक जनरल फॉर्मूला बताए थे हर एक जगह वहीं अप्लाई करो, मान लो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में एक ही वेलोसिटी है फिर भी वहाँ पर अप्लाई करो, दो वेलोसिटी है और अप्लाई करो, क्योंकि जनरल जो फार्मूला हम आपको निकाल के दिए थे वो सब जगह अप्लीकेबल है। तो ओमेगा के देखो वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक, हम इसको रेस्ट में मान लें, ऐसे भी इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, 0 है, तो एक्चुअली में ओमेगा किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, 1.1 का किसके रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में, ध्यान से देखोगे तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या करेगा, इसको ऐसे रोटेट कराएगा, ऐसे क्या करेगा, सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करेगा, तो बताओ क्या लिखोगे, वी रिलेटिव परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय में डी, तो देखो वी रिलेटिव कितना होगा, ये तो 0 ही है, तो रिलेटिव लोगे तो क्या होगा, 6-0 और डिवाइडेड बाय में डी, मतलब बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 के बराबर, तो बताओ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 6, यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। डायरेक्शन बताओ बच्चों क्या होगा, ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, अंदर की तरफ, ओमेगा का एक्चुअल जो डायरेक्शन होगा वो क्रॉस होगा, क्या होगा, क्रॉस मतलब कि उसके प्लेन पर परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ। ठीक, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था और ये सेकेंड पार्ट का आंसर था, अब तुम ही बताओ बच्चों क्या ये क्वेश्चन टफ था, टफ, अगर हम आपको रिजिड बॉडी का कंडीशन नहीं बताए रहते तो टफ था, अब सब कुछ बता चुके हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन बन गया। ठीक है बच्चों, चलो और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
हाँ तो बच्चों देखना, पहला जो क्वेश्चन था रॉड को हम रखे थे बच्चों हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर। इस क्वेश्चन में बताओ बच्चों रॉड को कैसे रखें वर्टिकल पोजीशन पर। तो पहले क्वेश्चन समझ लो उसके बाद सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक, लेंथ ऑफ द रॉड अभी भी दे रखा 1 मीटर। अब देखो कि दोनों एंड पर, मतलब किसको अगर पॉइंट नंबर 1 मानते हो और इसको पॉइंट नंबर 2, तो दोनों एंड पर वेलोसिटी अप्लाई कर दिया। इस एंड पर देखो 20√2 मीटर/सेकेंड है और रॉड के साथ, मतलब लेंथ ऑफ द रॉड के साथ देखो ये एंगल 45 डिग्री बना रहा। ठीक, इस एंड पर वेलोसिटी v2 है और ये कितना एंगल बना रहा है 53 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक, तो क्वेश्चन अभी भी वही सेम है जो बच्चों पहले क्वेश्चन था। दोनों वैल्यू निकालना है, v2 का वैल्यू एंड ओमेगा, एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑफ द रॉड। सेम वही कहानी करेंगे बच्चों। सबसे पहले ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, तो ये दोनों पॉइंट जो मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल कंपोनेंट या अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द पॉइंट्स। ठीक, वेलोसिटी का अगर जरूरत पड़ेगा तो एक कंपोनेंट इसके अलोंग लेंगे और दूसरा कंपोनेंट किसके अलोंग लेंगे, इस पर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर देखो दोनों में हमको जरूरत पड़ेगा, तो दोनों में जरूरत पड़ेगा सबसे पहले इसका कंपोनेंट रो, तो बताओ ये बच्चों कितना हो जाएगा 20√2 cos 45 डिग्री और cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो 20√2 × 1√2, तो ये बताओ कितना आ जाएगा, बताओ वैल्यू 20 मीटर/सेकेंड। इसका देखो वैल्यू लिखो इसके लॉन्ग, तो बताओ ये वैल्यू कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ बच्चों, v2 sin 53 डिग्री और sin 53 का वैल्यू बताओ बच्चों कितना होता है, जस्ट अभी हम आपको बताए थे 4/5, मतलब ये कितना हो जाएगा 4v2/5। अब देखो एक दूसरा कंपोनेंट लेंगे, कौन सा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो चलो इस, मतलब दोनों पॉइंट के लाइन ज्वाइनिंग पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट लोगे तो बताओ इधर बताओ कितना हो जाएगा बच्चों 20√2 sin 45 डिग्री और sin 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो यहाँ पर बताओ बच्चों कितना होगा 20√2 × 1/√2 = 20 मीटर/सेकेंड। ठीक, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लो बच्चों, तो बताओ कितना होगा v2 cos 53 डिग्री और cos 53 का वैल्यू बताओ कितना होता है बच्चों 3/5, तो 3v2/5। सबसे पहले हर एक क्वेश्चन में आप ये काम करोगे। ठीक, ये बिना इसके आप कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पर ये वैल्यू लिखने के बाद अब देखो क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर देखना बच्चों क्या करेंगे, पहला कंडीशन को सेटिस्फाई करो। तो पहला कंडीशन बताओ क्या था बच्चों, फॉर रिजिड बॉडी क्या लिखोगे, v parallel 1 = v parallel 2, मस्ट भी सेम होना चाहिए रिजिड बॉडी के लिए। चलो इक्वल कर लो, ये पैरेलल मतलब क्या हो गया, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द पॉइंट्स, तो इसके अलोंग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक, मतलब अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इक्वल करो, तो इक्वल करो तो बताओ फर्स्ट का कितना आ रहा है 20 = सेकेंड का बताओ कितना आ जाएगा 4v2/5। ये देखो 5 से कैंसिल आउट हो गया, तो बताओ यहाँ से v2 = कितना होगा 5 × 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ कितना आएगा 25 मीटर/सेकेंड। देखो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में देखना बच्चों यही कैलकुलेट करना था। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में ओमेगा का वैल्यू निकालना है, तो ओमेगा का वैल्यू निकालने के लिए बच्चों हम आपको बता चुके थे क्या कि v रिलेटिव परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाई में डी। अब बच्चों यहाँ पर एक मिनट रुक जाना, क्या रुकने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले इसका वैल्यू आप निकाल लो। वैल्यू निकालोगे तो बताओ कितना होगा 3 × v2 का वैल्यू बताओ कितना है 25 / 5, ये 5, तो ये बताओ कितना आ जाएगा 15 मीटर/सेकेंड। इसका देखो फर्स्ट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट 20 है और सेकेंड का 15, बताओ क्या होगा। रिलेटिव अगर हम लोग लेंगे तो हमेशा रिलेटिव वैल्यू सोचो पॉजिटिव आना चाहिए,
तो पॉजिटिव कब आएगा, जब इसका रिलेटिव किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, टू के, मतलब पॉइंट वन का रिलेटिव किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, टू के रिस्पेक्ट में। तो एक्चुअली में देखो हो गया क्या, मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ कि इधर कहीं रोड का क्या होगा, एक्सिस होगा, एक्सिस अभी समझ लो, ये चीज आगे हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये पॉइंट क्या चाहेगा, रॉड को ऐसे रोटेट कराना चाहेगा, और ये पॉइंट इस रॉड को ऐसे रोटेट कराना चाहेगा। तो इसका देखो डायरेक्शन क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज, और इसका डायरेक्शन क्या बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब इसको अगर पॉजिटिव लोगे तो ये बताओ क्या होगा, निगेटिव। इसीलिए देखो रिलेटिव ये वैल्यू माइनस होता है, समझ में आ रहा। ओवरऑल जो इफेक्ट होगा इसका ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा तेजी से रोटेट कराना चाहेगा और ये कम तेजी से रोटेट कराना चाहेगा। दोनों को देखो डायरेक्शन सेम है, मतलब हमेशा जब भी रिलेटिव लोगे, ठीक, तो कॉमन सेंस यूज करके लेना कि बड़ा वैल्यू में से हमेशा क्या करेंगे, छोटा वैल्यू को माइनस करेंगे। इस रॉड पर जितना भी पॉइंट्स है सबका ओमेगा इस एक्सिस के बहुत क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा, ठीक। मतलब इस पॉइंट का ओमेगा निकालेंगे इस पॉइंट के अबाउट इस रिजिड बॉडी पर, तो वैल्यू क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड फॉर्म में तो सेम ही रहेगा, ठीक। और इसका इफेक्ट ज़्यादा है क्योंकि ये वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, और ये वैल्यू कम है, ठीक। तो चलो लिख रहा हूँ मैं, रिलेटिव लोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, बड़ा में से छोटा वैल्यू माइनस करो, 20-15 डिवाइडेड बाई में लेंथ ऑफ द रॉड, लेंथ ऑफ द रॉड कितना दे रखा है, 1, तो बताओ इसका यूनिट कितना हो जाएगा, 5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक। ये बताओ किसका वैल्यू निकाल दिए बच्चों, ओमेगा का वैल्यू। तो ओमेगा का वैल्यू बच्चों हम लोग निकाल दिए, डायरेक्शन क्या होगा, तो ओवरऑल डायरेक्शन देखना उसी का लेना है जो वैल्यू क्या हो, बड़ा हो, ठीक। तो बड़ा वैल्यू इसको क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रोटेट कराएगा। ये कौन सा डायरेक्शन है बच्चों, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब कि हमेशा क्या होगा, क्रॉस बनेगा। क्रॉस मतलब कि इस रॉड के प्लेन पर परपेंडिकुलर, और ये किधर होगा, अंदर की तरफ। क्रॉस मतलब इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों, हर एक क्वेश्चन में करीब करीब यही कंसेप्ट अप्लाई करना है। सिर्फ क्या चेंज होगा, ये क्वेश्चन का कन्फिग्रेशन चेंज होते जाएगा। जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन में रॉड को हॉरिजॉन्टल रखे थे, सेकेंड केस में रॉड को क्या रखती है, वर्टिकल। थर्ड केस देखो कुछ और दिक्कत देखते हैं हम लोग, ये थर्ड केस में हो सकता है कुछ ही एंगल पर हम लोग रख दें, ठीक। चलो देखना बच्चों अगला क्वेश्चन, जैसा कि मैं आपको बोला था कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, न तो रॉड को हम हॉरिजॉन्टल में रख रहे हैं और न ही रॉड को हम वर्टिकल में रख रहे हैं, देखो कुछ एंगल के साथ रखे हैं, मतलब नहीं तो ये हॉरिजॉन्टली रॉड है नहीं वर्टिकल है। थोड़ा सा और कुछ चेंज किए हैं, क्या चेंज किए हैं कि अब जो वैल्यू पूछ रहे हैं, बताओ क्या पूछ रहे हैं, बताओ क्वेश्चन में एंगल थीटा पूछ रहे हैं और क्या पूछ रहे हैं, एंगुलर स्पीड ओमेगा का वैल्यू पूछ रहे हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को अगेन। सबसे पहला पॉइंट कि दोनों पॉइंट को एक लाइन से मिलाओ, तो यहाँ पर मिलाने की ज़रूरत नहीं है, वो किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ द रॉड के बराबर होगा, ठीक। अब देखो इसको कंपोनेंट करो, कंपोनेंट किधर करोगे, एक अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द पॉइंट्स, मतलब अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड, और दूसरा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड करो। तो बताओ इधर लोगे तो बताओ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 cos 37 degree। कॉस 37 का वैल्यू बताओ कितना होगा, 4/5, ये 2, ये कितना हो जाएगा, 8 meter per second। और दूसरा कंपोनेंट बताओ, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 10 sin 37 degree, और 10 into कितना होगा, 3/5, ये 2 कितना हो जाएगा, 6 meter per second, ठीक। ठीक उसी तरह देखो बच्चों इसका भी कंपोनेंट लेंगे, तो कंपोनेंट लेंगे तो देखो एक कंपोनेंट किधर लोगे, अलोंग द रॉड, तो बताओ इसका कंपोनेंट अलोंग द रॉड कितना हो जाएगा, 20 cos θ, और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा तुम्हारा, परपेंडिकुलर टू द रॉड, तो ये परपेंडिकुलर टू द रॉड बताओ कितना होगा, 20 sin θ होगा, 20 क्या होगा, sin θ, ठीक। कुछ नहीं किए हम लोग, अभी सिर्फ कंपोनेंट किए हैं। अब इसके बाद बताओ क्या करोगे बच्चों, इसके बाद बताओ बच्चों हम क्या बोले थे, क्या करने के लिए कंडीशन अप्लाई कर दो,
ठीक, तो पहला कंडीशन किसके लिए, फॉर रिजिड बॉडी, फॉर रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी के लिए अगर कंडीशन अप्लाई करोगे बच्चों तो क्या होना चाहिए कि वी पैरेलल वन मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, वी पैरेलल टू। ठीक, चलो पैरेलल कंपोनेंट मतलब अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड का वेलोसिटी का कंपोनेंट को क्या करो, इक्वेट करो। इक्वेट करोगे तो पहला पॉइंट पर होता वैल्यू कितना आ रहा है, एट इज इक्वल टू, बताओ दूसरा पॉइंट पर बताओ वैल्यू कितना है, कितना है 20 कॉस थीटा, तो बताओ यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, 8 बाई में 20, ये बताओ कितना होगा 4 से तो 2, और ये कितना हो जाएगा 5, मतलब 2 बाई में क्या होगा 5। ठीक, ये वैल्यू कितना होगा 0.4, तो थीटा इक्वल टू बताओ बच्चों कितना होगा, कॉस इनवर्स 0.4। अब बच्चों यहाँ पर थीटा का वैल्यू ऐसा ही छोड़ दो, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू आप बिना कैलकुलेटर के नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको कैलकुलेटर चाहिए ही, साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए, और साइंटिफिक कैलकुलेटर बच्चों क्लास 11-12 तक आपको नहीं यूज करना, वो इंजीनियरिंग में जाओगे तब यूज कर सकते हो, ये यहाँ तक आंसर आप छोड़ दो। ठीक, सेकेंड पार्ट में ये देखो फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट में देखो ओमेगा का वैल्यू निकालना, तो ओमेगा का वैल्यू निकालने के लिए बताओ क्या करोगे बच्चों, वी रिलेटिव परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाई में डी। चलो अब देखो, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखना, कॉस थीटा का वैल्यू ये आ गया, तो बताओ साइन थीटा का वैल्यू तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, साइन थीटा इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा बच्चों, रूट अंडर 1 - 4/25 इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 25 - 4 रूट अंडर कितना होगा 21, 21 डिवाइडेड बाई में 5। ठीक, चलो रिलेटिव वैल्यू लो, यदि इसका वैल्यू अगर इसमें पुट करोगे तो बताओ कितना होगा, 20 × √21/5, तो ये 4, ये कितना होगा 4√21 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखो तो ये वेलोसिटी इधर है और ये वेलोसिटी इधर है, तो दोनों का क्या है अपोजिट डायरेक्शन है, तो रिलेटिव लोगे बच्चों तो बताओ क्या होगा, दोनों वैल्यू ऐड हो जाएगा, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम आपको बताए थे। ठीक, तो ये भी रॉड ऐसे रोटेट कराना चाहेगा और ये भी इंड इस रॉड को ऐसे रोटेट कराना चाहेगा, तो दोनों क्या होगा काफ़ी तेज़ी से रोटेट कराएगा। ठीक, रिलेटिव में तो दोनों वैल्यू ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस कितना होगा 4√21 डिवाइडेड बाई में बीच का डिस्टेंस कितना है 2, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा 3 + 2√21, और इसका यूनिट जो होगा रेडियन पर सेकेंड। ठीक, मन होगा तो इसको √21 का वैल्यू निकालना, सिंप्लीफाई करना, आंसर लिख देना। ठीक, तो ये देखो मैग्नीट्यूड ऑफ द ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड का वैल्यू निकाल दिए। डायरेक्शन की अगर बात करें तो ये बताओ डायरेक्शन कौन सा है, क्लॉकवाइज, सारा क्वेश्चन का आंसर क्लॉकवाइज में ही आ रहा है बच्चों, कोई बात नहीं, कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज भी बनेगा। ठीक, तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, क्रॉस, क्रॉस मतलब कि रॉड के प्लेन पर परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों, चलो एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पहले समझ लो कि क्या है। ये देखो स्मूथ ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, और ये स्मूथ वर्टिकल ग्राउंड, वर्टिकल बॉल बोल सकते हो। ठीक, और स्मूथ मतलब म्यू का वैल्यू 0, यहाँ पर म्यू का वैल्यू क्या है 0 है। ठीक, इसमें एक रॉड को हम इंक्लाइन करके रखे हैं, एक रॉड को क्या कर दिए इंक्लाइन करके, मतलब इसका एक एंड ये अर्थ सरफेस पर है, ठीक हॉरिजॉन्टल अर्थ सरफेस पर, दूसरा वर्टिकल वॉल पर है। ठीक, ऐसे लट ऐसे इंक्लाइन करके रखें। ठीक, लेंथ ऑफ द रॉड दे रखा 1 मीटर, ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये इन मतलब रॉड एंगल बना रहा है 37 डिग्री, इसका देखो एक एंड मूव कर रहा है 15 मीटर पर सेकेंड, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर
ऐसा देखा गया कि ये एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये एंड वर्टिकली डाउनवर्ड गिरा कितना से, v2 वेलोसिटी से, कितना से, उस पार्टिकुलर इंस्टेंट पर ये एंड गिर रहा है v2 वेलोसिटी से नीचे की तरफ, ठीक। तो जैसा क्वेश्चन में देख रहे हो, फाइंड द वेलोसिटी v2, मतलब कि क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है v2 का वैल्यू, सेकंड पार्ट में क्या निकालना है कि ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑफ द रॉड एट द गिवन इंस्टेंट, मतलब ये सब जो वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं सब के सब एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कैलकुलेट करना है। तो वो इसी इंस्टेंट पर v2 का वैल्यू हम लोग को और ओमेगा का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन तो समझ में आ गया, ठीक। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद और देखने के बाद हमको तो यही समझ में आ रहा है कि अभी तक जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते आए हैं यहाँ पर भी सेम वही कंसेप्ट होगा। दोनों पॉइंट को मिलाओगे तो क्या होगा, अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द पॉइंट्स मिलेगा जो कि वो लेंथ ऑफ द रॉड के अलॉन्ग होगा, ठीक। सेम वही कहानी, तो वही कहानी देखो हम लोग करते हैं बच्चों। तो देखो यहाँ पर क्या कर लो, थोड़ा समझने के लिए इसको क्या करो कि थोड़ा मतलब इसको देखो हम अलग डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, अलग इसलिए कि आपको पिक्चर क्लियर दिखाई दे। ये रॉड हो गया, अलग ड्रॉ करोगे तो आप पिक्चर क्लियर दिखाएगा, अच्छे से आप समझोगे, ठीक। ये रॉड हो गया, दोनों एंड हो गया, ये आपका एंड वन हो गया और ये एंड टू। एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पर बताओ ये वन जो एंड है पॉइंट वन वो किधर मूव कर रहा है बताओ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। और देखना ये जो एंगल बन रहा है वो बताओ किसके साथ एंगल बन रहा है, ये बताओ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है 37 डिग्री, ठीक। तो 37 डिग्री अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है बच्चों, ठीक, तो ये थीटा, तो ये भी बताओ ज्योमेट्री से बताओ कितना हो जाएगा 37 डिग्री। और दूसरा एंड बताओ बच्चों कैसे गिर रहा, v2 से, ये दूसरा पॉइंट बताओ कैसे गिर रहा, v2 से नीचे की तरफ, ठीक। तो देखना ये जो कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है ये 90 डिग्री है, ये 37 डिग्री, तो ये बताओ कितना एंगल हो जाएगा लेंथ ऑफ द रॉड के साथ, कितना एंगल हो जाएगा 53 डिग्री, मतलब ये एंगल बताओ कितना हो जाएगा 53 डिग्री। बच्चों कुछ नहीं किए बच्चों, सिर्फ हम ज्योमेट्री अप्लाई करके एंगल वैल्यू निकाल लिए। अब वही कहानी करेंगे बच्चों, एक कंपोनेंट लेंगे वेलोसिटी का किधर अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड और दूसरा बताओ किधर लेंगे परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक। चलो लो तो देखो यहाँ पर इसका अगर वैल्यू लें तो अलोंग द क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द रॉड बताओ कितना हो जाएगा 15 cos 37 डिग्री, ये वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा 15 into cos 37 का वैल्यू बताओ कितना होगा 4/5, ये 3 कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक। इसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी ले लो तुरंत, क्योंकि उसका भी जरूरत पड़ेगा हमको। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बताओ कितना हो जाएगा 15 sin 37 डिग्री, और साइन 37 का वैल्यू बताओ कितना होता है बच्चों 3/5, ये 3, तो बताओ कितना हुआ 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक। इसका भी देखो, इसका भी अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड निकालो तो बताओ कितना हो जाएगा v2 cos 53 डिग्री, cos 53 का वैल्यू बताओ कितना होता है 3/5, तो 3 v2/5, और इस पर परपेंडिकुलर जो होगा वो बताओ वो कितना हो जाएगा v2 sin 53 डिग्री, तो बताओ ये कितना हो जाएगा 4 v2/5। कुछ नहीं किए बच्चों, अभी तक सिर्फ कंपोनेंट लिए, एक अलोंग द लेंथ और दूसरा क्या परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक। अब देखो यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, तो देखो बच्चों कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे, फॉर रिजिड बॉडी का कंडीशन अप्लाई करो। तो अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड मतलब पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट वन मस्ट बी इक्वल टू, बताओ क्या होना चाहिए 2 के बराबर। चलो इक्वल करो, तो इक्वल करोगे तो 1 का वैल्यू बताओ कितना है अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड 12,
इज इक्वल टू, इसका बताओ कितना है, वी टू बाई में फाइव, ये कितना हो जाएगा फोर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वी टू का वैल्यू फाइव इंटू फोर बताओ कितना होगा, 20 मीटर पर सेकेंड। देखो फर्स्ट पार्ट का हम लोग का आंसर आ गया, फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना था, वी टू का वैल्यू, मतलब इस पार्टिकुलर इंस्टेंट पर 0.2 वर्टिकली डाउनवर्ड कैसे गिरेगा बताओ बच्चों, 20 मीटर पर सेकेंड से, कैसे गिरेगा 20 मीटर पर सेकेंड से। सेकेंड पार्ट में बताओ बच्चों क्या निकालना है, ओमेगा का वैल्यू, तो ओमेगा का वैल्यू निकालने के लिए बताओ क्या लिखोगे, वी रिलेटिव का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय में डी, डी मतलब क्या होगा, बीच का, दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस, और यहाँ पर दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ द रॉड के बराबर होगा। देखो सबसे पहले रिलेटिव परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिए हैं उसका रिलेटिव लो, तो रिलेटिव अगर लोगे बच्चों तो दोनों का डायरेक्शन देखो क्या है, अपोजिट है, अपोजिट है, मतलब कि यहाँ पर रिलेटिव वैल्यू क्या होगा, ऐड होगा। इसमें देखो ये वैल्यू पुट करोगे तो ये बताओ वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 × 20 / 5, तो ये 4, ये कितना होगा 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और ये वैल्यू बताओ कितना है, 9 मीटर पर सेकेंड, तो इसका रिलेटिव लोगे तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। देखो ऐड करो तो बताओ कितना होगा, 16 + 9 / में क्या, डी मतलब लेंथ ऑफ द रॉड कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 1 मीटर, तो ये बताओ वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि ओमेगा की यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। अब बताओ कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इस कंडीशन में रॉड कैसे रोटेट करना चाहेगा बच्चों, ये एंड ऐसे रोटेट कराएगा और ये भी एंड इसको ऐसे रोटेट कराएगा, मतलब दोनों का डायरेक्शन बताओ क्या होगा, इस केस में सेम है, और ये डायरेक्शन बच्चों क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। इसके क्या लिखोगे डायरेक्शन के लिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जहाँ पर देखो बच्चों जहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है बताओ यहाँ पर क्या होगा, डॉट होगा, डॉट मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन बाहर की तरफ, मतलब कि इस रॉड के प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा और ये बताओ बच्चों क्या होगा, बाहर की तरफ, तो यहाँ पर देखो डॉट लगा दिए मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन, और एंटी सॉरी क्लॉकवाइज में जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे थे, क्रॉस देखे थे, तो ये देखो फाइनली आंसर आ गया बच्चों। ठीक, इस तरह का 3-4 क्वेश्चन बच्चों लोग 4 क्वेश्चन आज सॉल्व किए रिजिड बॉडी के कंडीशन पर। ठीक बच्चों, इस पर और जो क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन ओमेगा का वैल्यू पर पूछा जाता है सर्कुलर मोशन में। अगर मेरे पास मतलब अगर मौका मिला आप लोगों का क्लास कंटिन्यू करने के लिए, तो जब सर्कुलर मोशन बच्चों आपको पढ़ाएंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन 1D, फ्री फॉल मोशन, सबको कंबाइन करके इस पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है बच्चों। ठीक, अभी हम वो चीज़ देखो बच्चों डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, हम आपको रोटेशनल मोशन पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक, तो कभी अगर मौका हमको मिलता है सर्कुलर मोशन डिस्कस करने का, तो ये चीज़ इस पर और अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। कंसेप्ट सब में यही अप्लीकेबल होगा, सिर्फ क्वेश्चन का फिगर और स्टेटमेंट चेंज होते जाएगा, आंसर अलग अलग आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।